मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा। आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना। बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, मरने को तैयार। काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, मरने को तैयार, बनने को तैयार रहो। वह साल था 1931 और महीना था सितंबर का। लंदन में सर्दी दस्तक दे चुकी थी। इंग्लैंड का एक खास मेहमान दूर उसके उपनिवेश हिंदुस्तान से लंदन आया था। हम बात महात्मा गांधी की कर रहे हैं। सालों बाद वे देश से बाहर आए थे और यह उनकी आखिरी विदेश यात्रा भी थी। वे लंदन आए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। इंग्लैंड के लोगों की रुचि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितनी थी यह तो मालूम नहीं, पर सारा इंग्लैंड गांधी जी के आगमन में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। लाखों लोग श्रद्धा से गांधी को देखना और उनसे मिलना चाहते थे, तो लाखों लोग बस कुतूहल से, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना चाहते थे। गांधी दिखते कैसे हैं, कपड़े पूरे पहनते हैं या नहीं, उनके साथ उनकी बकरियां आई हैं कि नहीं जिनका वे दूध पीते हैं। बहुत तरह के किस्से और कहानियां पूरी दुनिया में गांधी को लेकर प्रचलित थीं, इंग्लैंड में शायद सबसे अधिक। वहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उनके प्रति तनिक भी आदर भाव नहीं रखते थे, पर दिलचस्पी तो उनकी भी गांधी में थी ही, और यह बहुत अस्वाभाविक भी नहीं था। पीपल इन इंग्लैंड वुड हैव लव्ड हिम और हेटेड हिम, बट कुड नॉट हैव अफोर्डेड टू इग्नोर हिम। दोस्तों, आज़ादीनामा की आज की 29वीं कड़ी में और आने वाली अगली कुछ और कड़ियों में बात होगी गांधी की ग्रामोफोन गाथा की। आप गांधी जी के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, पर बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ ग्रामोफोन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। दोस्तों, आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि गांधी अपने समय के सबसे बड़े ब्रांड थे, और बात मैं सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वे सबसे बड़े ब्रांड थे। गांधी इंग्लैंड आ रहे हैं इस बात की पुष्टि होने के बाद दुनिया भर के अखबारों ने, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स ने, अपने पत्रकार, अपने फोटोग्राफर और अपनी रिकॉर्डिंग मशीनें लंदन रवाना कर दी थीं। वीडियो फोटोग्राफर भी गांधी जी के इंग्लैंड में जहाज से उतरने से लेकर उनकी वापसी तक उनकी फिल्म उतारते रहे। गांधी जी की लंदन की मेजबान मुरियल लिस्टर ने लिखा है, मिस्टर गांधी इज द बेस्ट न्यूज वैल्यू इन द वर्ल्ड, ऑलवेज एक्सेप्टिंग ऑफ कोर्स द प्रिंस ऑफ वेल्स। पर जब तक गांधी रहे इंग्लैंड में, तब तक वहां के लोग प्रिंस ऑफ वेल्स को निश्चित रूप से भूल गए होंगे। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक गांधी की ही बातें थीं। गांधी
इंग्लैंड 11 सितंबर 1931 को पहुंचे थे। दो दिन बाद ही 13 सितंबर 1931 को उन्होंने ईस्ट लंदन के किंग्सले हॉल से अमेरिका को रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने गुलाम भारत की आकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखा। अपने इस लंदन प्रवास में गांधी जी इसी किंग्सले हॉल में ही रह रहे थे जिसका प्रबंधन मुरियल लेस्टर करती थी। कुछ स्रोतों में गांधी के इस रेडियो प्रसारण की तिथि 17 अक्टूबर 1931 बताई गई है, जो कि गलत है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 14 सितंबर 1931 को गांधी जी के उस उद्बोधन का ट्रांसक्रिप्ट भी प्रकाशित हुआ था। मुरियल लेस्टर ने भी अपनी पुस्तक इंटरटेनिंग गांधी में उस उद्बोधन का विस्तार से विवरण दिया है और वही तिथि बताई है, 13 सितंबर। गांधी जी के लगभग 3 महीने के प्रवास के दौरान लंदन की सारी सड़कें किंग्सले हॉल की तरफ ही रुक किए रहीं। पत्रकार फोटोग्राफर भी बस इसी जुगाड़ में रहते थे कि कुछ रोचक खबर मिल जाए या नए एंगल से गांधी की तस्वीर उतार ली जाए। आम लोग भी इंग्लैंड के कोने कोने से उनको एक निगाह भर देख लेने के लिए आते रहे। आप में से शायद कुछ लोग यह न जानते हों कि गांधी जी की एक खास मुलाकात चार्ली चैपलिन से भी करवाई गई। इस मुलाकात की बड़ी चर्चा हुई, पर इस मुलाकात से पहले गांधी चार्ली चैपलिन को जानते तक न थे। जब मीडिया के सभी साधन गांधी के उस अद्भुत ब्रांड का फायदा उठा रहे थे, तब ग्रामोफोन कैसे अछूता रह पाता उससे? यह प्रस्ताव आया कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी की तरफ से। इस कंपनी ने 1929 में इंग्लैंड की ही एक और कंपनी पीटर ओर एंड सन्स को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उस कंपनी की एक शाखा भारत में मद्रास में थी और वहां 1849 से ही व्यापार कर रही थी। पीटर ओर एंड सन्स ने वैसे तो लगभग 400 रिकॉर्डिंग कर ली थी भारत में कोलंबिया लेबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, परंतु उनमें कोई यूएसपी वाली बात नहीं थी। भारत का ग्रामोफोन बाजार 1930 तक इस तरह प्रतियोगिता से भरा हुआ था कि कोई बिल्कुल अलग सी रिकॉर्डिंग ही किसी नई कंपनी के रिकॉर्ड को स्थापित होने दे सकती थी। यह अलग सी रिकॉर्डिंग व यूएसपी नजर आया पीटर ओर एंड सन्स और कोलंबिया लेबल को गांधी जी में। उस कंपनी ने देखा था कि लोग इंग्लैंड में किस तरह गांधी को लेकर, उनकी आवाज को लेकर, उनकी लिखावट को लेकर दीवाने हो रहे थे। इंग्लैंड प्रवास के दौरान गांधी जी को कुछ संस्थाएं उस दिन आमंत्रित करती थीं जिस दिन उनका मौन व्रत होता था। उनका लोभ यह होता था कि गांधी जी उनके प्रश्नों के उत्तर कागज पर लिख कर देंगे, जो उनके संग्रहालय के लिए एक अनमोल धरोहर हो जाएगा। यदि इंग्लैंड में गांधी जी उतने लोकप्रिय थे तो हिंदुस्तान में कितने रहे होंगे, यह कंपनी समझ गई थी। मुरियल लेस्टर अपने संस्मरण में लिखती हैं कि तमाम ग्रामोफोन कंपनियां उनको अप्रोच कर रही थीं कि गांधी जी की आवाज रिकॉर्ड करवाने की अनुमति दिलवा दें। अंत में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए महात्मा गांधी राजी हो गए। रिकॉर्ड का कंटेंट क्या हो, यह महत्वपूर्ण सवाल था। गांधी जी ने कहा कि यह उनके जीवन की पहली और आखिरी रिकॉर्डिंग होगी ग्रामोफोन के लिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक विषय पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने निर्णय किया कि वे ईश्वर की अवधारणा पर बोलेंगे। रिकॉर्ड के दोनों साइड के लिए आवाज रिकॉर्ड करनी थी तो लगभग 6.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए गांधी जी से आग्रह किया गया। 17 अक्टूबर 1931 को कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लोग अपनी मशीनों को लेकर किंग्सले हॉल पहुंच गए।
वहीं के एक कमरे में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई। कमरे के कोने में रखी एक अलमारी पर रिकॉर्डिंग मशीन रख दी गई। गांधी माइक्रोफोन की ऊंचाई तक ठीक से पहुंच पाए इसके लिए नीचे एक गोल सी चीज रखी गई और फिर उस पर कुछ कपड़े भी रख दिए गए ताकि माइक्रोफोन की ऊंचाई को अंतिम रूप से गांधी जी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए रिकॉर्डिंग के लिए। गांधी जी को देखकर पढ़ना था रिकॉर्डिंग के लिए, इसके लिए एक लैंप की व्यवस्था भी कर दी गई थी। आप इस चित्र में देखेंगे कि गांधी जी रिकॉर्डिंग मशीन को देखकर अम्यूज से लग रहे हैं। इस चित्र में जो महिला हैं वही मुरियल लिस्टर हैं जो किंग्सले हॉल में गांधी जी की मेजबान थीं। आप इसमें महादेव देसाई जी को भी देख सकते हैं जो गांधी जी के सचिव थे और उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे। उनके हाथ पीछे हैं और उनमें कुछ कागज हैं जो संभवतः वह स्क्रिप्ट था जो गांधी जी ने कोलंबिया रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग के लिए उस दिन पढ़ा था। गांधी जी ने जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ वह रिकॉर्डिंग की वहां उपस्थित हर आदमी उससे अभिभूत था। भाषा बड़ी सरल थी, प्रांजल थी, पर उसमें अद्भुत प्रवाह था। विचारों में स्पष्टता थी जो गांधी जी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत थी, और उनका डिक्शन, उनका उच्चारण लाजवाब। कोलंबिया कंपनी की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। गांधी जी को जब वह रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो पहले तो अपनी आवाज वे पहचान नहीं पाए और फिर झेप भी गए। आइए पहले आपको उस रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सुनवाते हैं, फिर इस दास्तान को आगे ले चलेंगे। My denial or ignorance of the existence of an earthly power will avail me nothing. Even so, my denial of God and His law will not liberate me from its operation. Whereas humble and mute acceptance of divine authority makes life's journey easier, even as the acceptance of earthly rule makes life under it easier. I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. दोस्तों, जिस दिन गांधी जी की आवाज पहली बार ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड की गई उसके अगले दिन ही 18 अक्टूबर 1931 को ग्रामोफोन के आविष्कारक और महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का देहांत हो गया। एडिसन के आविष्कार ने हमें आवाज को हमेशा के लिए संरक्षित कर लेने और उसे जब चाहें प्लेबैक कर सुन लेने की जो तकनीक दी थी उसके लिए मानव सभ्यता हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी। उन्हीं की वजह से हमारे पास गांधी जी की वह आवाज़ संरक्षित है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। आइए लौटते हैं गांधी की ग्रामोफोन गाथा पर। रिकॉर्डिंग के चार दिन बाद ही 22 अक्टूबर 1931 को पीटर ओर एंड सन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बिनस्टीड ने लंदन स्थित इंडिया ऑफिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को गांधी जी की रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया और यह स्पष्ट किया गया कि रिकॉर्डिंग का कंटेंट पूरी तरह से गैर राजनीतिक है बल्कि आध्यात्मिक संदेश है, स्पिरिचुअल मैसेज है। यह भी कहा गया कि यदि इंडिया ऑफिस उस रिकॉर्ड को सुनना चाहे तो कोलंबिया कंपनी वहां आकर रिकॉर्ड सुनवा सकती है। जिन दर्शकों को न पता हो उनके लिए यह बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत के मामलों के लिए इंग्लैंड में जो ब्रिटिश हुकूमत का दफ्तर था उसे ही इंडिया ऑफिस के नाम से जाना जाता था। यह दफ्तर व्हाइट हॉल में था और उसके मुखिया को द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। खैर, उस चिट्ठी के साथ
रिकॉर्ड के लेबल का ड्राइंग भी लगाया गया था। उस लेबल की परिधि भी दी गई थी 3.3 इंच। उस ड्राइंग को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला सर्किल हरे रंग का था, उसके बाद का सफ़ेद, और फिर उसके बाद केसरिया या ऑरेंज कलर। स्पष्ट था कि ये तीनों रंग कांग्रेस के झंडे से लिया गया था। लेने का कारण भी स्पष्ट था। कोलंबिया कंपनी भारतीयों की भावना का लाभ उठाकर गांधी जी की आवाज़ के रिकॉर्ड को अधिक से अधिक संख्या में बेचना चाहती थी। पी ओर एंड सन्स ने कोलंबिया कंपनी की तरफ से यह भी बताया इंडिया ऑफिस को कि कोलंबिया कंपनी उस रिकॉर्ड को पूरी दुनिया में बेचना चाहती है और उसे खास ओरिएंटल लुक में मार्केट करना चाहती है। इंडिया ऑफिस ने पीटर ओर एंड सन्स की लंबी चिट्ठी का एक छोटा सा जवाब दिया। जवाब यह था कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपनी कोई राय इस मसले पर नहीं देना चाहते हैं। इस जवाब की प्रति और पीटर ओर एंड सन्स की चिट्ठी की प्रति भारत स्थित गृह मंत्रालय के सचिव को भी भेज दी गई। पीटर ओर एंड सन्स ने इंडिया ऑफिस के उस छोटे से जवाब को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह मान लिया और रिकॉर्ड का प्रोडक्शन शुरू हो गया। दोस्तों, ये वही ओरिजिनल रिकॉर्ड मेरे हाथ में है जो इंग्लैंड से निकला था। रिकॉर्ड का लेबल वही तिरंगे के तीन रंगों से बना था, हरा, सफेद और केसरिया। रिकॉर्ड पर गांधी जी के हस्ताक्षर भी थे अंग्रेजी में, और रिकॉर्ड के विवरण सुनहरे अक्षरों में थे, और रिकॉर्ड की संख्या थी LBE 50। यह LBE सीरीज भारत की रिकॉर्डिंग के लिए खास तौर पर रखी गई थी कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी द्वारा। इसी सीरीज के लिए कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय के उद्बोधन और श्रीमती सरोजिनी नायडू की कविताओं का एक एक रिकॉर्ड भी निकाला था। वे रिकॉर्ड भी हमारे आर्काइव्स में हैं। आज़ादी नामा की आने वाली कड़ियों में आप सबसे उन्हें भी साझा करूंगा। अपनी इस रिकॉर्डिंग में गांधी जी ने तत्कालीन मैसूर रियासत के कुछ गांवों के ग्रामीणों की निश्चल अभिव्यक्ति के माध्यम से ईश्वर की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया था। आइए रिकॉर्ड का वह हिस्सा सुनते हैं और फिर इस रिकॉर्ड से जुड़ी सबसे रोचक दास्तान सुनेंगे। Ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God than they to their ruler, need not be surprised if I do not realize the presence of God, the King of Kings. Nevertheless, I do feel, as the poor villagers felt about Mysore, that there is orderliness in the universe. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. दोस्तों, आजादी नामा की आज की इस खास कड़ी में हमने कोई गीत शामिल नहीं किया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इस कड़ी को देखने और सुनने के बाद आप आजादी के आंदोलन में ग्रामोफोन की भूमिका को बेहतर रूप में समझ पाएंगे। गांधी की आवाज में यह पहला रिकॉर्ड दिसंबर में भारत सहित पूरी दुनिया में रिलीज होने वाला था। तभी बैंगलोर से एक अंग्रेज एच स्कीन ने विंस्टन चर्चिल से लेकर, जो तब सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, गवर्नर जनरल काउंसिल, यूरोपियन एसोसिएशन
और अखबारों में गांधी जी के इस रिकॉर्ड को देशद्रोही बताते हुए कोलंबिया के इस रिकॉर्ड को रिलीज न होने देने की अपील की। नवंबर 1931 में एक के बाद एक उसने कई पत्र लिखे। स्कीन पूना के यरवदा जेल के सरकारी प्रेस का रिटायर्ड मैनेजर था और खुद भी कोलंबिया रिकॉर्ड का बेंगलोर में डीलर था। वह मद्रास प्रेसिडेंसी के यूरोपीय एसोसिएशन का सदस्य भी था। पीटर ओर एंड सन्स को स्कीन की चिट्ठी का जैसे ही पता चला, मद्रास स्थित ओर्स कोलंबिया हाउस की तरफ से भारत के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिख दिया गया, जिसमें लंदन के रिकॉर्ड को लेकर हुए पत्राचार की प्रतियां लगा दी गई थी। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब स्कीन अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाया और उसका झूठ का पुलिंदा एक के बाद एक खुलने लगा, तब उसने 2 दिसंबर 1931 को अपने पत्र वापस ले लिए। अब रिकॉर्ड के रिलीज का रास्ता साफ हो गया था। कोलंबिया कंपनी ने अपना टारगेट रखा था कि वह उस रिकॉर्ड की 10 लाख प्रतियां 1 मिलियन कॉपीज बेचेगा। उसी हिसाब से उस रिकॉर्ड का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। कुछ स्रोतों में यह कहा गया कि कोलंबिया रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का रिकॉर्ड ही महीनों तक बनाती रही। भारत में जब यह रिकॉर्ड रिलीज हुआ तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। यह रिकॉर्ड यदि हिंदी में निकलता तो शायद और अधिक बिकता और करोड़ों लोगों तक उसकी पहुंच बनती। रिकॉर्ड अधिक से अधिक बिके इसके लिए कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने एक ऑफर दिया था कि हर बिके रिकॉर्ड के लिए 8 आने, आज के 50 पैसे के बराबर, कंपनी की तरफ से कांग्रेस या उस संस्था को दिया जाएगा जिसके लिए गांधी जी की सहमति होगी। इस बारे में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हों गांधी जी के साथ, इस बात के कोई सबूत नहीं है, परंतु यह सहमति अवश्य बनी थी गांधी जी और कोलंबिया कंपनी के बीच, इसमें कोई दो राय नहीं। गांधी जी ने कांग्रेस की एक सहवर्ती संस्था ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन या अखिल भारतीय बुनकर संघ को उस रॉयल्टी का भुगतान करने की सलाह दी थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 10 लाख रिकॉर्ड बिकते तो अखिल भारतीय बुनकर संघ को प्रति रिकॉर्ड 8 आने के हिसाब से 5 लाख रुपये मिलते। 1931 में 5 लाख रुपये बहुत होते थे। यहाँ आपको यह भी याद दिलाते चलें कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की विफलता के बाद गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे। जहाज से बंबई उतरने पर जब उनसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इट वॉज मेयरली अ डिबेटिंग सोसाइटी। उनके भारत लौटने के एक हफ्ते बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज कर दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। तब की भारत सरकार ने और इंग्लैंड स्थित इंडिया ऑफिस ने कांग्रेस को हर तरह से कमजोर करने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के पास किसी भी स्रोत से कोई फंड न आए उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने लगे। ऐसे में वह जो आखिरी काम करती वो ये कि कोलंबिया कंपनी को इस बात की अनुमति देती कि वह गांधी जी के रिकॉर्ड की रॉयल्टी कांग्रेस की किसी संस्था को देने दे। माहौल की नज़ाकत को भांपते हुए कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने भारत सरकार से यह पूछ लेना बेहतर समझा कि वह ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को गांधी के रिकॉर्ड की रॉयल्टी की राशि दे या न दे। वायसराय के ऑफिस से लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश एवं राजनीति मंत्रालय, CID, पुलिस, इंग्लैंड स्थित इंडिया ऑफिस, सब ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया इस बात में कि किस तरह रॉयल्टी का भुगतान ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को न हो सके। उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर एच विलियमसन ने 20 जनवरी 1932 को तो गांधी के भाषण के सभी कोलंबिया रिकॉर्ड्स को सी कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त कर लेने का
सुझाव दे दिया था। 21 जनवरी 1932 को वायसराय के कार्यालय से इंग्लैंड के इंडिया ऑफिस को एक टेलीग्राम भेजा गया, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि जब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, तब तक कोलंबिया कंपनी को यह निर्देश किया जाए कि वह कोई भी भुगतान ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को ना करे। इस बीच में पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस और उसकी सहवर्ती संस्थाओं और उनके पदाधिकारियों को, स्वयंसेवकों को सब तरह से परेशान करते रहे। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की देश भर की शाखाओं के खाते खंगाल दिए गए। सारी जानकारी निगरानी ब्यूरो ने एकत्र कर यहां से लेकर इंग्लैंड तक की सरकार को मुहैया कराई। जब सरकार आश्वस्त हो गई कि कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी कोई भुगतान भारत सरकार की सहमति के बिना कांग्रेस या ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को नहीं करेगी, तब गृह मंत्रालय के सचिव HW Emerson ने 11 फरवरी 1932 को यह निर्देश जारी किया कि फिलहाल इस रिकॉर्ड के संदर्भ में किसी और एक्शन की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ भारत में ब्रिटिश हुकूमत इस रिकॉर्ड को लेकर ऊहापोह में थी, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में वह रिकॉर्ड धूम मचा रहा था। इंग्लैंड में तो यह रिकॉर्ड लोकप्रिय हुआ ही, मार्च 1932 में उस रिकॉर्ड का उत्पादन अमेरिका में भी कोलंबिया की स्थानीय शाखा ने करना शुरू कर दिया था। वहां रिलीज हुए इस रिकॉर्ड की संख्या अलग थी, संख्या थी 2069M। मार्च 1932 के अंक में अमेरिका से निकलने वाली एक प्रतिष्ठित पत्रिका डिस्क ने महात्मा गांधी के उस रिकॉर्ड की खूब तारीफ की और कहा कि यह रिकॉर्ड गांधी जी की उस काबिलियत की तस्दीक करता है कि क्यों सारी दुनिया उनकी आवाज़ से आंदोलित होती है। अमेरिका के ही एक और प्रतिष्ठित जर्नल द फोनोग्राफ मंथली रिव्यू ने भी अपने मार्च 1932 के अंक में गांधी जी के उस रिकॉर्ड को ऐतिहासिक महत्व का बताया और उनकी भाषा को प्रांजल और बोधगम्य बताया। दोस्तों, इस तरह गांधी के इस रिकॉर्ड ने, जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, कोई उकसाने वाली बात नहीं थी, ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इस रिकॉर्ड के कंटेंट से अधिक इस रिकॉर्ड की अपील ने अंग्रेजों को डरा कर रख दिया। उसी डर ने अंग्रेजों को इस बात के लिए उकसाया कि वह किसी तरह से भारत की एकता पर चोट करे, लोगों में फूट डाले, एक भारतीय समूह को दूसरे भारतीय समूह के विरुद्ध खड़ा कर दे। आगे की पूरी राजनीति उसी पर केंद्रित रही भारत में। अपने इस उद्देश्य में अंग्रेज पूरी तरह सफल रहे और हम बुरी तरह असफल। गांधी जी ने बहुत मेहनत की, पर हम सब ने उनको नाकाम कर दिया। दोस्तों, आज की कड़ी को अब यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी गांधी की एक और बड़ी ही रोचक ग्रामोफोन गाथा के साथ। मुलाकात होगी, नमस्कार। Oh,